ठीक है, तो चलो अगर म्यूटेशन का केस आपको क्लियर हो गया होगा तो नाउ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और रिपेयर की चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए रिपेयर पाथवे। ठीक है, डीएनए रिपेयर पाथवे के ऊपर जब हम बात करते हैं तो डीएनए रिपेयर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिपेयर में जो होता है देयर इज नो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक, कोई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होता, नो फॉस्फोडाइस्टर ब्रेक ऑन द लाइक इन द डायरेक्ट वन। नाउ डाइमर अगर बना है थायमिडीन डाइमर तो इसको रिमूव करने के लिए डीएनए फोटोलाइज यूज होता है, एल्काइलेटेड के लिए एल्काइल ट्रांसफरेज यूज होते हैं। इनडायरेक्ट रिपेयर में जहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक होता है इसके कुछ मैकेनिज्म होते हैं, पहले रिकॉग्नाइज करेगा भाई कि रिकॉग्नाइज करो क्या है, उसके बाद बॉन्ड को ब्रेक करो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, फिर बेस को रिमूव करो, फिर गैप को फिल करो और फिर सील करो। तो ये कुछ चीजें जो होती हैं वो आपके स्टेप्स होते हैं इनडायरेक्ट में। पहले कहां पे म्यूटेशन हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर बॉन्ड को तोड़ेगा क्योंकि मिसमैच जो है या जो बेस पेयर इनकरेक्ट बेस पेयर उसको हटाएगा, फिर उसके बाद बेस को रिमूव करेगा, गैप को फिल करेगा सही न्यूक्लियोटाइड से और फिर सील करेगा। पॉलीमरेज वन और लाइगेजेस हर प्रोसेस में कॉमन होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके चाहे वो एक्सीजन रिपेयर हो, चाहे मिसमैच हो, चाहे रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर हो या नॉन रिकॉम्बिनेशनल या नॉन होमोलोगस इन जॉइनिंग में भी हो। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि एक्सीजन रिपेयर में, तो एक्सीजन में क्या हो जाता है, बेस एक्सीजन, मतलब बेस को जो होता है वो रिमूव करते हैं। बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या करते हैं कि हम एक से दो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में हम 3 से 8 न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। मिसमैच रिपेयर में सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक के लिए यूज होता है, इसमें हम म्यूट वेरा प्रोटीन का यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर में हम क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो या डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो दोनों के लिए यूज करते हैं। इसमें आपके जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर का यूज किया जा सकता है होमोलोगस के लिए, या आपके नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग NHEJ का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये सारी चीजें यूज होती हैं। कुछ कुछ चीजें इनमें बता देता हूं, बहुत ज्यादा डीप या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना कुछ कुछ चीजें। पहला हम डायरेक्ट रिपेयर बात कर रहे हैं, डायरेक्ट रिपेयर में बात करेंगे तो पहला पिरिमिडीन डाइमर बन गया। मान लो कि यूवी लाइट म्यूटेशन कॉज करता है, जैसे आपको बताया गया था कि फिजिकल एजेंट में ये डाइमर कॉज करेगा। देखिए डाइमर कॉज कर दिया, अब ये विजिबल लाइट में एक एंजाइम जो होता है दैट इज फोटोलाइज, ये एंजाइम यहां पे आता है। और विजिबल लाइट में भी कौन सा लाइट चाहिए, इसको ब्लू लाइट चाहिए, ध्यान देना कौन सा लाइट चाहिए, ब्लू लाइट चाहिए। फोटोलाइज जो होता है इस थायमिडीन को रिवर्स करके मोनोमर फॉर्म में डैमेज को रिपेयर कर देगा। ठीक है, सो क्लीवेज ऑफ साइक्लोब्यूटेन डाइमर जो होता है, साइक्लोब्यूटेन डाइमर को तोड़ेगा और इसको कर लेगा। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा डीएनए फोटोलाइज, लाइट डिपेंडेंट होते हैं एंड ब्लू लाइट डिपेंडेंट होता है। फोटोलाइज जो है रिलीज हो जाएगा यहां से, और रिलीज होकर ये फिर दूसरे साइकिल में चला जाएगा। सो दिस इज द केस, यहाँ पे क्या है, थायमिडीन डाइमर का रिपेयर हो रहा है डायरेक्ट, इसमें कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इसी तरीके से डायरेक्ट रिपेयर में एल्काइलेटेड गुआनिन, अगर किसी गुआनिन पे ये एल्काइल ग्रुप या मेथाइल ग्रुप जुड़ गया तो एक एंजाइम होता है एल्काइल ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा कि ये एल्काइल ट्रांसफरेज इस मेथाइल ग्रुप को अपने ही सिस्टीन रेजिड्यू पे एक्सेप्ट करेगा, कहेगा कि आजा बेटा मैं यहाँ पे तेरे को आराम से घुमा दूं, पार्टी ले चलूं। तो ये आता है घूम फिर के और यहां से ये हो गया। सो एल्काइल ट्रांसफरेजेस CH3 को एक्सेप्ट करता है अपने ही सिस्टीन रेजिड्यू पे और यहां से सिस्टीन को हटा देता है और नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाता है। सो दिस इज द एल्काइलेटेड गुआनिन प्रोसेस। बेस एक्सीजन रिपेयर में देखने की कोशिश करिएगा, अगेन जैसा कि आपको बताया गया बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। दिस इज द डैमेज्ड बेस, एक डैमेज्ड बेस है। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें होती है, पहले डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आएगा। ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बेस को रिमूव करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेस को रिमूव किया। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज यानी ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट और सुगर का बैकबोन तो रह जाएगा, नाइट्रोजनस बेस गायब, यानी प्यूरीन या पिरिमिडीन जो है यहां से गायब हो जाएंगे, प्यूरीन और पिरिमिडीन जो है यहां से गायब हो जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे ए प्यूरीन या ए पिरिमिडीन साइड, क्योंकि प्यूरीन और पिरिमिडीन गायब होगा तो देयर इज अ गैप, एक गैप हो जाएगा। तो एपी का मतलब होता है ए प्यूरीन या ए पिरिमिडीन, ए का मतलब होता है एब्सेंट,
ए प्यूरीन और ए पिरिमिडीन साइट जो होता है वो हो जाता है एपी का मतलब यहाँ पे, ठीक है। सो एपी शुड बी हियर। तो ये साइट पे अब एपी एंडोन्यूक्लियस और फॉस्फोडाइस्टरेज आएंगे, जो कि यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस कट करेगा और फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के ये पूरा का पूरा गैप रिमेट कर देगा। कितना होगा? लगभग 1-3 न्यूक्लियोटाइड, ज्यादा से ज्यादा। देखिए लगभग लगभग 3 बेस पेयर का रिमूव हुआ। होने के बाद अब इसको सही करेक्ट न्यूक्लियोटाइड से ऐड करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज। यहाँ पे फिल किया और फिल करने के बाद रिपेयर कर दिया। तो ये क्या है? ये बेस एक्सीजन रिपेयर। जब हम दूसरे की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, तो प्रोसेस इज लाइक वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इसमें जैसे ग्लाइकोसाइलेज एपी एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टरेज यूज हो रहे थे, इसमें होता है यूवीआर प्रोटीन्स, यूवीआर ए बी सी डी, उसी सीक्वेंसेस में चलेंगे। देखिए थायमिन डाइमर बना हुआ था, थायमिन डाइमर को रिकॉग्नाइज करने वाला होगा यूवीआर ए, बी और सी जो होते हैं एंडोन्यूक्लियस का काम करेंगे, डी हेलिकेजेस के काम करेंगे। तो देखिएगा कि जैसे डाइमर बना यहाँ पे बी और सी आया, तो बी और सी यहाँ पे आते ही आने के बाद एंडोन्यूक्लियस थे कट करके पूरा का पूरा बैकबोन हटा दिया, इनकरेक्ट बेसिस को हटा दिया। कितने? लगभग लगभग 3 से लेके 9, आप देख रहे होंगे, तो लगभग लगभग 6 बेस पेयर यहाँ पे हटा हुआ है, ठीक है। सो हटाने के बाद फिर पॉलीमरेज 1 इसको फिल करेगा और लाइगेज कर देगा। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में यूवीआर ए बी सी डी, ए रिकॉग्नाइज किया, बी सी कट करके हटाया, ई डी हेलिकेज का काम किया, उसके बाद पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेजेस तो सब में कॉमन है ही। इसमें भी वही है, ग्लाइकोसाइलेज, फिर इंडोन्यूक्लियेजेस, फिर फॉस्फोडाइस्टरेज, फिर पॉलीमरेज एंड लाइगेजेस, ठीक है। ये इनडायरेक्ट रिपेयर में बेस एक्सीजन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन है, दो एक्सीजन वाले पार्ट है। नाउ दिस इज मिसमैच रिपेयर। मिसमैच में जहां पे ओल्ड और न्यू को हटा डिफ्रेंशिएट करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस ऑफ हेमी मेथाइलेशन, हेमी मेथाइलेशन। और हेमी मेथाइलेशन किया जाता है किसका? ओल्ड स्ट्रैंड का। हेमी मेथाइलेशन जो किया जाता है वो ओल्ड स्ट्रैंड का किया जाता है, ताकि पता कर किया जा सके कि वो जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड है। देखिए यहां पे इसने क्या किया, जगह जगह पे हेमी मेथाइलेट कर दिया। किस सीक्वेंस पे होता है ओल्ड स्ट्रैंड के? देयर इज सीक्वेंस दैट इज जी ए टी सी, ये एक सीक्वेंस पाया जाता है जी ए टी सी, जी ए टी सी के ऊपर मेथाइलेट जो केसेस होते हैं वो पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है मिसमैच एम से शुरू होता है, तो प्रोटीन जो होंगे दैट शुड बी म्यूट प्रोटीन। म्यूट के कुछ होते हैं एस एल एच, ठीक है। अब मिस एस एल एच के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो म्यूट एस जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है मिसमैच को, जहां पे मिसमैच हुआ है इसको रिकॉग्नाइज करेगा। म्यूट एच हेलिकेज का काम करेगा, जैसे आपको पता चल रहा है म्यूट एल एस के साथ जुड़ा रहता है, इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और ये जो है ये हेलिकेज का काम करेगा, और रिपेयर सिस्टम में म्यूट एच एंडोन्यूक्लियेजेस एस रिकॉग्नाइज करेगा, एंडोन्यूक्लियेजेस के भी काम करेंगे। देखिए मिसमैच है, यहां पे आया एस एल एच जुड़ गया, एस रिकॉग्नाइज किया, एस के साथ एल है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पे देखिए एस है और एल है और एच है, ये चीज यहां पे आपको मिल रही होगी, दिस इज द सी एस थ्री, जो कि आपका एच, यहाँ इस तरीके से चीजें हो रही है। तो हेलिकेजेस आप कट करेंगे, कट करते हुए ये पूरे के पूरे सीक्वेंसेस को यहां से रिमूव कर दिया, जहां पे मेथाइलेटेड होगा रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। जहां पे मेथाइलेट होगा उससे जस्ट जीएटी सीक्वेंसेस को देखेगा, और देखने के बाद ये क्या करेगा कि यहां से हेलिकेजेस कट करते 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 यहां तक रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद अगेन पॉलीमरेज आएगा, करेक्ट सीक्वेंसेस से इसको फिल कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द मिसमैच रिपेयर, ये है मिसमैच रिपेयर, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं एक सॉस रिपेयर सिस्टम पूछा जाता है। सॉस रिपेयर उसी आपके बैक्टीरिया या इन चीजों में होता है, देयर इज लेक्स रे के प्रोटीन, लेक्स ए प्रोटीन, इस तरीके की चीजें चलती हैं, और कई सारे जो नॉर्मली होते हैं कि वो इन्वॉल्व होते हैं सॉस रिपेयर सिस्टम में। देखिएगा सॉस रिपेयर क्या है कि डैमेज कितना है उस पर बात की जाती है। अगर नॉर्मल है, नो डैमेज है, डैमेज नहीं होगा तो कलर से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करिएगा, लेक्स ए एक्सप्रेस होगा, ठीक है। There is no damage, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है, अगर नॉर्मली हम बात करते हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जब कोई भी डैमेज नहीं है, नो डैमेज है, तो लेक्स ए रिप्रेस किया, यहाँ पे लेक्स ए जो है रिप्रेस किया, रिप्रेस करने के बाद ये जो है यहाँ पे आया रिप्रेस द एसओएसओ प्रोटीन, यहां से लेक्स ए प्रोटीन बना,
ठीक है, यहां से जो है लेक्स ए प्रोटीन बना। बनने के बाद दिस पर्टिकुलर केस से लेक्स ए प्रोटीन जो बन रहा था, ये लेक्स ए प्रोटीन जा रहा है, जाते 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 यहाँ पे लेक्स ए इनएक्टिवेट, ये जो होता है लेक्स ए प्रोटीन, नॉर्मली रेक ए इनएक्टिवेट द लेक्स ए प्रोटीन, और इनएक्टिवेट करके ये सॉस जो ओपरॉन है या यूवीआर ए और यूएमयू जो एरर प्रोन रेप्लीकेशन के लिए पाए जाते हैं, एरर फ्री के लिए यूवीआर ए बी सी डी है जो कि आपके क्या थे, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज के लिए थे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में इन्वॉल्व होते थे, और यू एम यू डी एरर प्रोन डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व हो जाते, एक्टिवेट द सॉस ओपेरॉन। तो अब देखने की कोशिश करेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, डैमेज है कि नहीं है, थोड़ी सी बात करते हैं उसको और समराइज करके, ठीक है। सॉस डीएनए रिपेयर जीन्स रिप्लेस्ड बाय द लेक्स ए एंड प्रोटीन आर फ्री टू एक्सप्रेशन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं इसको इजी कर देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है डैमेज बहुत सीधा सा है, डैमेज है क्या ये हो हम चेक करेंगे, अगर डैमेज है और देयर इज नो डैमेज, ठीक है, नो डैमेज, सीधी सी बात है, अगर देखो सॉस ओपेरॉन रिपेयर के लिए होता है, अगर डैमेज होगा तो सॉस ओपेरॉन का क्या होगा, ऑन होगा कि ऑफ होगा, कॉमन सेंस यही कहता है कि ऑन होना चाहिए, और इसके हिसाब से सॉस ओपेरॉन जो है वो आपका ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अब ऑफ होने के लिए देखिएगा यहां पे जो होता है कि लेक्स ए जो होता है वो लेक्स लेक्स क्या करता है, लेक्स ए टर्न ऑफ द सॉस ओपेरॉन, ये सॉस ओपेरॉन को ये ऑफ करता है, यानी लेक्स ए यहां पे क्या होगा, एक्टिव होगा, लेक्स ए एक्टिव होगा, अगर लेक्स एक्टिव है तो रेक ए क्या होगा, रेक ए इनएक्टिव होगा, रेक ए इनएक्टिव होगा, क्योंकि रेक ए जो होता है, अगर रेक ए इनएक्टिव है, रेक ए इनएक्टिव है तो लेक्स ए जो होता है वो सॉस ओपेरॉन पे बाइंड करता है यहां पे, और बाइंड करके इस ओपेरॉन को ऑफ रख देता है, ठीक है, रेक ए जब इनएक्टिव है। लेकिन जब रेक ए एक्टिव होता है, रेक ए एक्टिव होता है तो ये लेक्स ए को तोड़ देता है, ये क्या करता है, लेक्स ए को ब्रेक कर देता है, तो जिससे कि ओपेरॉन जो होता है फ्री होता है यहां पे लेक्स ए की बजाय, अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके इसको ऑन कर देता है, ठीक है। सो एक्टिव रेक्स ए जो होता है वो नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द लेक्स ए है, ठीक है। तो रेक्स रेक्स ए अगर एक्टिव है तो लेक्स ए इनएक्टिव होगा, और अगर उसी वाइस वर्सा के केस में चलेगा। सॉस ओपेरॉन के ऊपर जब हम बात करते हैं, ऑन होना चाहिए, मतलब रेक ए जो है यहां पे एक्टिव होना चाहिए, और रेक ए एक्टिव होगा तो लेक्स ए जो होगा डिग्रेडेटेड होना चाहिए या इनएक्टिव होना चाहिए, तभी जो है सॉस ओपेरॉन ऑन होगा। ऑन होगा तो क्या बनेगा, यू वी लाइक अभी हमने जो देखा था यहां पे यू एम यू बनेगा, यू एम यू डी जो कि किसके लिए हो जाएगा, दैट इज फॉर एरर प्रोन के लिए, यू एम यू फॉर एरर प्रोन, ठीक है, जिसको क्या बनाता है पॉलीमरेज फिफ्थ वाले, पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ एरर प्रोन डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। एंड यूवीआर यूवीआर ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स पे जाएगा जो कि एरर फ्री रिप्लिकेशन कराएगा, क्या कराएगा, एरर फ्री रिपेयर मैकेनिज्म। सो दीज आर द केसेस जो कि आपके पाए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम बात करते हैं तो दीज डिफरेंट डिफरेंट केसेस और जो कि इन्वॉल्व किए जाते हैं। सो ध्यान देने की कोशिश करना, देयर आर रिपेयर मैकेनिज्म, एंड होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, होप कि आपको मजा आ रहा होगा। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड वेद20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।